कप्तान की कप्तानी में क्या हो रहा है आपको बताते हैं। कप्तान हुकूमत का एक और वादा वफा ना हुआ। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन दिवालिया होने के करीब है। हुकाम को 14 अरब का बेल आउट पैकेज देने की यकीन दहानी कराई गई थी। डेढ़ माह गुजर गया, वजारत खजाना ने एक पैसा भी अदा ना किया। अशया खुरनोश खरीदने आए, शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे उमेर चौधरी। जी उमेर। में 5000 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर बनाने का सामान पेश करने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर गुज़श्ता कई माह से हजारों अशिया की सप्लाई ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को 14 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज इंस्टॉलमेंट में देने का वादा किए। डेढ़ माह से जायद वक्त गुजर गया लेकिन कोई रकम की अदायगी ना हो सकी। पहले मरले में 5 अरब 62 करोड़ रुपए की अदायगी करना थी लेकिन अभी तक उसमें से कोई रकम की अदायगी नहीं की गई। 5 अरब 62 करोड़ रुपए की समरी फाइनेंस मिनिस्ट्री को तो भेज दी गई है लेकिन डेढ़ माह से ज्यादा वक्त गुजर गया, बिल अभी तक पास नहीं हुए। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ना होने के बाद यूटिलिटी स्टोर वैरानी का सामान पेश करने लगे हैं। यूटिलिटी शहरी का भी यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी का रुझान कम हो गया है। हालांकि हुकूमत की जानिब से 100 दिनों में बड़ी तब्दीली लाना थी लेकिन यूटिलिटी स्टोर बहाल ना हो सके और शहरों की मुश्किल में भी कमी ना हुई थी। शहरों की मुश्किल में भी कमी वाकई नहीं हो सकी। शुक्रिया उमेर चौधरी अपडेट करने के लिए।